जयपुर में भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम प्रतापनगर की ओर से 10वें कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मंथन का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को झांकियों से जीवित किया, जिसमें कृष्ण जन्म की बधाई, कालियामर्दन, गोपियों के साथ बांकी बिहारी की रास को प्रस्तुत किया गया। इस दौरान बालवाड़ी और प्राइमरी के बच्चों ने जन्म उत्सव नृत्य से सभी का मन मोह लिया। साथ ही बच्चों ने रंग रसिया गीत पर नृत्य कर ब्रज की होली के दृश्य को भी साकार कर दिया। स्कूल प्राचार्य दीपक दुआ ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को भगवान कृष्ण के जीवन परिचय और उनसे संबंधित जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया गया है, जिससे बच्चे भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकें। इस मौके पर स्कूल के स्टाफ के साथ साथ छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। जन्माष्टमी के अवसर पर हम हर साल बच्चों को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की फॉर्म में एक फंक्शन आयोजित करते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि कृष्ण की जितनी लीलाएं, जितनी कथाएं हैं, जिनका कुछ एक का तो हमारे पास स्रोत अवेलेबल है, कुछ एक का नहीं है, पर हम उसको किसी तरीके से इस तरह से बांधें एक डांस ड्रामा में, जिसमें बच्चों की गतिविधि भी हो जाए और उनके सीखने का भी मौका मिले। ये इस साल हमने कोशिश की थी कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने की जिन जो कृष्ण से हमेशा पूछे जाते रहे हैं। हमने कोशिश की कि उनका जवाब हम अपने तरीके से जो दे सकें, जो हमारी